नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 16 नवंबर है और शनिवार का दिन है। आज हम बात करेंगे आपकी राशियों के, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी आज कि जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय पर नामकरण किया जाता है। नामकरण रखने का मुख्य तौर पर क्या कारण होता है और क्यों उसी नाम से कहा जाता है कि बच्चे को बुलाना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि नामकरण के दौरान जो अक्षर निकलते हैं बच्चे के नाम के लिए वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, क्यों पूरी ज़िंदगी भर उन अक्षरों को इतना महत्व दिया जाता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय पर जो प्लैनेटरी पोजिशन होती हैं, उस समय पर जो उसकी स्थिति होती है, खासतौर पर गोचर की जो स्थिति होती है, उन सबको दिमाग में रख करके जो नामकरण है वो किया जाता है। और आप जानते हैं, अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो उसमें 54 अक्षर हैं टोटल। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर स्वर की, हर एक अक्षर की एक ध्वनि निकलती है। आप जानते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं वाइब्रेशंस की, यहाँ पर बात होती है कि हर एक चीज़ आपके आसपास जो होती है एक तरह का ऑरा लिए हुए होती है। जब भी किसी को नाम से हम बुलाते हैं तो उस नाम का भी एक ऑरा होता है, उसके नाम के अंदर कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं। और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं जिसके अलग अलग स्वर निकल के आते हैं। जब आप उसको एक अगर हम उसको देखा जाए तो हर एक स्वर की अपनी एक एनर्जी होती है। उसके अकॉर्डिंगली जब एक बच्चे को एक अक्षर दिया जाता है, यानी कि उसको वो आप एनर्जी दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे हर एक एनर्जी जो होती है पर्टिकुलर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और जो उस समय पर प्लैनेटरी पोजिशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अक्षर जो है वो निकाला जाता है। तो ज़रूरी है कि उस बच्चे को जो अक्षर दिया गया है उसी के नाम से ही, उसके उस अक्षर से ही आप उसका नाम रखें और मोस्ट ऑफ द टाइम उस नाम से ही आप उसे बुलाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एनर्जी मिसमैच होने की वजह से भी इंसान जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। इंसान कई बार बहुत अच्छी कैलिबर हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, वो इंसान एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाता। और उसके पीछे कई बार कारण बहुत छोटे छोटे से होते हैं कि आपके आसपास की एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं करती। आप जिस नाम से किसी बच्चे को या एक इंडिविजुअल को बुलाते हैं उस तरह की एनर्जीज आप उसे देते हैं। अब इंसान अपना नाम खुद तो लेता नहीं है, आसपास के जो लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नाम जो है वो बार बार बुलाते हैं। दैट मीन्स हम उसी तरह की एनर्जीज उस इंसान को दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो एनर्जीज या जो अक्षर भी उसके प्लैनेटरी पोजिशंस के अकॉर्डिंगली सही होते हैं उसी नाम से आप उसको बुलाना चाहिए। तो ये है एक वैज्ञानिक कारण कि क्यों नामकरण इतना ज़्यादा ज़रूरी है या क्यों ये जो शुभ संस्कार माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ तथ्य जो है वो छुपे हुए हैं, एक साइंटिफिक रीज़न जो है वो छुपा हुआ है, तो इसीलिए नामकरण किया जाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए अब करते हैं आपकी राशियों की शुरुआत और बात करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा आप सभी के लिए। एरीज 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स का निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कामकाज के दौरान थोड़ा सा व्यस्तता रह सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज ज़रूरी रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना आज एक अच्छा पहला स्टेप हो सकता है किसी भी काम की शुरुआत के लिए। उपायों की बात करी जाए तो आज हम बात करेंगे लकी कलर की भी, तो आप लोगों के लिए आज लाल रंग का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ासतौर पर कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं वो आज बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का इस्तेमाल ना करें, ब्लैक या ब्राउन कलर को आप लोग अवॉइड करेंगे। टॉरेंस की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, द हाई प्रिस्टेस इन द सन रिवर्स कार्ड निकल रहा है, तो आज थोड़ा सा आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो इनर सेल्फ है आपका, उससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पे थोड़ी कम रहेगी। आप अपना आत्मचिंतन करने का जो समय निकालते हैं या अपने आप के लिए जो समय निकाल पाते हैं वो थोड़ा कम आप दे पाएंगे। आज लोगों के साथ व्यस्तता ज़्यादा हो सकती है और ख़ासतौर पर बाहरी लोगों के साथ सामाजिक दायरा आप लोगों का बढ़ सकता है, जिसकी वजह से व्यवसाय में भी लाभ होगा। लाभ की स्थितियाँ बन रही है लेकिन साथ ही साथ में खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस समय में क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खर्चा किस दायरे में करना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो उसमें आप लोगों के लिए मधुरता बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को सपोर्ट जो चाहिए उसके लिए थोड़ी सी बातों को समझना पड़ सकता है, यानी कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना आज इंपॉर्टेंट रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो लकी कलर रहेगा, गोल्डन या फिर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए लकी रहेगा। और ख़ास तौर पे उपाय की बात करें तो आज शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
चलिए बात करते हैं मिथुन राशि, सिक्स ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में कन्फ्यूजन्स थोड़ी सी रह सकती हैं, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप में भी काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोचना है, समझना है। किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना कहीं ना कहीं भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ कर ही डीलिंग्स कीजिएगा। घर परिवार के लोग आज आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके जो खासतौर पर माता पिता हैं वो किसी बात को लेकर के न असहमति दिखा सकते हैं। आज घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य जो है उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बाहर का खाना या जंक फूड, ऑयली फूड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आप लोगों के लिए आज के दिन का लकी कलर रहेगा ग्रीन या फिर टर्काइज ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ही आज कोशिश करेंगे पीपल के वृक्ष में दीपक ज़रूर जलाएँ। कर्क राशि, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड निकल रहा है, तो आज सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए आपको। किसी की बातों में आकर के किसी कार्य की शुरुआत मत कीजिए। अपेक्षा करना अच्छा नहीं रहेगा। आज दूसरों की देखा देखी या फिर जैसे मैंने कहा किसी की बातों में आना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कर्क राशि वाले लोग थोड़ा सा मानसिक तनाव से जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा आज नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें और साथ ही साथ नमक का दान भी आप लोग ज़रूर करें। आप लोगों के लिए लकी कलर आज ऑफ वाइट कलर अगर आप पहनेंगे या वाइट शेड्स पहनेंगे तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं, लियोज द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है। आज आपके डिसीजंस बहुत बेहतर रहेंगे। करियर की तरफ जो भी आगे आने वाले समय के लिए आप लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज फॉर्म्स खरीदना या इस तरह की प्लानिंग्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा। आज एक भी एक स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हैं और ख़ास तौर पे आने वाले समय के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी सोच सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या किसी तरह की किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, नए वेंचर्स की शुरुआत करना, ये सब चीज़ें आज के दिन में दिखाई दे रही हैं। लिए उसके लिए उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ तो लकी कलर रहेगा आज ऑफ वाइट कलर, या फिर आप लोग कोशिश करेंगे क्रीम शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही आज शनि स्त्रोत का पाठ करना भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि, नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सरकारी पक्ष से भी आपको आज लाभ मिलेगा और खासतौर पर कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा था उसमें चीज़ें आपके लिए न्याय के हित में रहेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं पर अगर आप सही हैं तो जीत आपकी ही होगी। आज उपाय आपको ये करना है, सबसे पहली चीज़ तो गोल्डन शेड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, लक फैक्टर आपका बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर आज जो शूज़ होते हैं उसका दान करना बेहतर रहेगा। किसी लेबर को, किसी नीडी पर्सन को आप लोग जूतों का दान कर सकते हैं। तुला राशि, नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आज कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं और खासतौर पर रिश्तों को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। आप लोगों के साथ कई लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत आपकी बातों को लेकर के असहमति जता सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं पर आपको अपनी बातें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रमोशन दिखाई दे रहा है, सीनियर्स आपके साथ तालमेल बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर देयर इज अ विश कार्ड, तो आज धन लाभ की स्थितियाँ भी बन रही है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर के आपको एफर्ट करनी पड़ सकती है। उपाय क्या करेंगे आज तुला राशि वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। आप लोग कोशिश करेंगे पूरे ही दिन भर अगर मरून शेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर चेरी शेड्स का इस्तेमाल करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आज भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करना आपके कई सारे कामों में आपको फायदा देगा। स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आज लग्जरीज की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, खासतौर पे नई चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। कुछ ना कुछ नई खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्कॉर्पियोज को ध्यान रखना चाहिए, बैक बचिंग से बचें, किसी दूसरे की बुराई या किसी दूसरे के प्रति जलन की भावना रखने से भी बचें, क्योंकि उससे अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। स्कॉर्पियोज को आज सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए ब्लू शेड्स का इस्तेमाल करना, स्काई ब्लू या फिर कोशिश करेंगे ब्लू में भी लाइटर ब्लू के जो शेड्स होते हैं उन शेड्स का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए आज बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और उपाय की बात करें तो आज गरीबों में मिठाई का दान या स्वीट्स का दान आप लोग कर सकते हैं। धनु राशि, सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आज डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजन, यानी कि जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। आज ज़रूरी है कि सोचिए समझिए उसके बाद ही आप बहुत फर्मली आज शांति से फैसला करें। और ख़ास तौर पर रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज एक बाउंड्रीज, एक दायरा समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाना आपके रिश्तों में कटुता लेकर के आ सकता है। आज घर के छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक आपका और उनका तालमेल बेहतर बनेगा। जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था वो खत्म होगा। आप लोगों के लिए आज लकी कलर रहेगा
रहेगा ब्राउन कलर और ख़ासतौर पे ग्रे शेड्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर उपाय की तो आज अपने घर के रूम्स में मोर पंख लगाना आज बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि। द चैरियट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है तो आज के दिन में ऑफिस में यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको काफ़ी हद तक तालमेल बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कलीग्स के साथ थोड़ी बहुत वाद विवाद होने की आशंका नज़र आ रही है। आप लोगों ने अगर कर्जा लिया हुआ तो उसे चुकाने के बारे में आज सोच सकते हैं। आज पैसे का लेन देन करने में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ या कोई भी कीमती चीज़ की थोड़ा रखरखाव सही तरीके से कीजिएगा और ख़ासतौर पर ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा सतर्क रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय आज ये रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो वॉयलेट कलर के शेड्स या इंडिगो शेड्स का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। और बात करें अगर उपाय की तो आज के दिन में कोशिश करेंगे किसी भी नीडी पर्सन को चीनी या चावल का दान या खाने की सामग्री का दान आप ज़रूर करेंगे। कुंभ राशि, फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड एम्परर कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फाइनेंशियल अगर तौर से देखा जाए तो जिन लोगों का काफ़ी समय से कुछ कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कुछ नया काम शुरू करने के बारे में, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आने वाला फॉर अ वीक ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है किसी भी कार्य की नई शुरुआत के लिए। सरकारी पक्ष से लाभ होगा आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे बर्डन्स भी आपके ऊपर आ सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों को साथ साथ में संभालना, यानी कि पार्लरली दोनों चीज़ों को संभालना वो एक बड़ा टारगेट रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। आप लोगों के लिए आज लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर। और उपाय क्या करेंगे, आज किसी भी गरीब को, किसी भी नीडी छोटे बच्चे को स्टेशनरी का सामान ज़रूर दान करें। मीन राशि, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आज कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती हैं किसी भी कार्य को लेकर के, और ख़ासतौर पे जो लोग मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, एचआर लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं भी मीन राशि वाले लोगों को आज काफ़ी हद तक अपने आप के लिए क्लैरिटी मेंटेन करना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो लोगों के साथ वाद विवाद, लोगों के साथ बिना वजह का आर्ग्यूमेंट्स आज हो सकते हैं। मीन राशि वाले लोग जो हैं जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका शो ऑफ जो है आपको मुश्किल में डाल सकता है। उपाय क्या करेंगे, आज प्रयास करेंगे आप लोग सिल्वर शेड्स का इस्तेमाल या ऑफ वाइट शेड्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ में शनि चालीसा का पाठ करेंगे संध्या काल के समय। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और अब आप एस्ट्रो तक से जुड़ सकते हैं तक ऐप के ज़रिए भी, उसको डाउनलोड करेंगे गूगल स्टोर पर जा करके। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।